हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। इसकी कुछ खासियत है, वो हम दिखाते हैं आपको। जैसे इसमें बहुत कम वेल्डिंग है, ज़्यादातर रिपीट पे। ये देख रहे हैं, ये पूरी चादर रिपीट पे है। ये देखिए पूरा रिपीट पे है। नीचे भी है। अगर इस चादर कभी बदलना पड़े तो रिपीट निकाल के ये चादर बदल सकते हैं। और ये भी देखिए पूरा, ये रिपीट, पूरा रिपीट। ये सब देखो रिपीट लगी है। इसमें वेल्डिंग बहुत कम है, मुश्किल से 5% होगी, पूरी रिपीट। ये देख रहे हो, अंदर से भी दिखा देते हैं रिपीट। ये देखो लगी यहाँ पे, और सब ढका है। इधर ये पड़ी रिपीट, जगह जगह है। सही, वेल्डिंग से चादर फट जाती है। अभी तक इसमें वेल्डिंग मशीन में पूरी कुछ ही जगह हुई होगी। जैसे एक जगह देखिए, ये यहाँ से गियर लगता है ना, थोड़ा सा झटका यहाँ पड़ता है। कभी कभी गियर फंस जाता है, इसे थोड़ा मेहनत से लगता है। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जैसे थोड़ा सा क्लच उठाना पड़ता है। एक यहाँ वेल्डिंग है, एक ये थोड़ा सा। और मेरे समझ से तो कहीं नहीं वेल्डिंग है पूरी गाड़ी पे। पहले वाले भीम थोड़ा कमज़ोर थी, अब तो बहुत अच्छी दे रहे हैं। जैसे जो ये एंगल देख रहे हैं ना, ये 4x4 में जब चलती गीले में, तो ये मिट्टी काछने के लिए। नहीं तो ये यहाँ तक मिट्टी भरती है, यहाँ तक पूरा ये सब मिट्टी भरती है। उधर से पहले था, इधर जो है ये इधर मिट्टी नहीं आएगी, लेकिन कुछ मिट्टी अपने यहाँ काली है, बहुत ज़्यादा पकड़ बनाती है। ये देखिए मिट्टी, तब ये वाला एंगल लगा है इस पर पूरा काच के। और एक जुगाड़ और दिखाते हैं आपको। ये बेल्ट सेफ्टी के लिए है, नहीं तो यहाँ से मिट्टी भर के बेल्ट यहाँ से पूरा कट जाती है यहाँ से। तो एक यहाँ से सपोर्ट लगा के, और ये वाला एंगल है, इस पे चादर लगा गई है कि इस पे बेल्ट में मिट्टी ना आए। और इधर भी रिपीट देखिए सब। पूरा ये कम 7 साल गाड़ी हो गई है, 7 साल की। 7 साल में वेल्डिंग के काम एक भी नहीं हुआ, और ना ही कोई बैरिंग ज़्यादा बदली गई इसमें। सिर्फ ये पंखे की ज़्यादा, ये हवा खींचता है ना कचरे के साथ जो है, सिर्फ ये पंखे की बदली गई है। और ये वाली कंपनी की है, देखिए ये भी कंपनी की है, स्टावाकर का। ये देखिए ये भी कंपनी का बैरिंग है, ये भी बैरिंग कंपनी की है, ये सब भी कंपनी की है। ये भी कंपनी की है, ये भी कंपनी की है, ये भी कंपनी की है। और ये भी कंपनी का, अभी तक तो ये बैरिंग खुली नहीं है जब से आई है। ये वाली भी बैरिंग नहीं खुली है। ये बैरिंग आपकी बदल दिए थे, टूटी नहीं थी, चाल ज़्यादा आ गई थी। ये वाली बदले थे, ये वाली कंपनी की है, ये ढकी पड़ी है।
इसमें जो कवर लगा ना, ये कवर बहुत फ़ायदेमंद है। ये इस कवर लगने से ये पुआल जो लपेटा है इधर ही रह जाता है। ये दिक्कत बहुत होती है इसमें लपेट लेता तो। इधर की भी वायरिंग बदली गई है, ये दोनों वायरिंग साथ डाले थे लेकिन टूटी नहीं थी, चाल सिर्फ थी। अब आ जाते हैं इधर। अभी तक इसका पल्ला, जब से आई है ना, इसका पल्ला खुला नहीं है ना इसका। कभी ये यहाँ से सापड़ से निकली है, ये पूरा जाम हो गया वैसे पड़ा है। पूरा सापड़ निकाल के निकाल देते हैं, थरी थरी जब बदलना पड़ता है। अभी तक ये गैडरम तो अभी तक इसकी बैरिंग वैरिंग कुछ नहीं चेक चेक हुआ है ना, बदली गई है कोई दिक्कत। ये देखिए, और नट दिए, नट देख लो, नट पे कोई निशान निशान नहीं ना, ये भी खुला वाला नहीं है। कंपनी के चैन साथ का है, गाड़ी के बैरिंग भी साथ की है। गुच्छा चैन एक मरतबा बदला गया है, गियर वही है कंपनी के साथ वाला सब। एक मरतबा ये बैरिंग बदली गई है, थप्पड़ वाली 205। और एक ये पाइप जो है ये 2-3 मरतों फट चुकी है, ये पाइप। और सब कंपनी का मशीन तो बहुत अच्छी है। कटर भी देख लो, कटर भी कंपनी का। चैन कंपनी का, चैन सब बैरिंग कंपनी की है। दिखा भी देते हैं, ये बैरिंग कंपनी की, ये बैरिंग कंपनी जो इसके अंदर भी लगती होगी वो भी कंपनी की पड़ी है। एक बार तो ये पुरंग टूट गई थी, यहाँ से डैमेज थोड़ा कर दी थी। सब कंपनी का, फिंगर भी कंपनी की है। रीत कितना सीजन हो गया मशीन को, 16 में आई थी, अभी तक कंपनी की फिंगर चल रही है। रीत सिर्फ एक बदली गई थी, ये दोनों, एक ये, एक दो तीन, ये ईटम लड़ गई थी यहाँ से, सब प्रीत का है। प्रीत प्रीत पूरा फिंगर है प्रीत। इस पर मॉडल भी लिखा, भी मॉडल जो स्पेयर में जो दिए थे वो भी पड़ी है, लगी नहीं है, वो ऐसी पड़ी है। अभी दिखाते उसको भी, अब गाड़ी की मीटर भी दिखा देते हैं कितना चला है। ये गाड़ी का मीटर है, एक मरतबा बंद हुआ था तार, तार टूट गया था।
ये बैरिंग की पेटी रखी है स्पेयर में, पूरी गाड़ी में जितनी बैरिंग लगती है सब दो दो सेट है, और बेल्ट पूरी गाड़ी का बेल्ट ये रखना ज़रूरी है। फिंगर दिख नहीं रही है, प्रीत मॉडल नहीं लिखा है। हाँ मिला मिला, दो हजार सोलह ये अभी तक लग नहीं पाई है। ये मिट्टी छुड़ाने के लिए हसुआ, सिर्फ इसका इंजन में ये प्रीत वाला इंजन है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये है तेल ज़्यादा उठाता है। अगर गाड़ी साथ वो टर्बो इंजन 5 लीटर 5,000 का तेल पिएगा तो ये 7,000-8,000 का तेल पीता है, उतना ही खेत काटता है। ये जो एंडोरिया वाला आता है एंडोरिया वही है, 110 HP। ये जाली बदल गई थी, ये जाली जो पहले वाली थी सड़ गई थी नीचे से, तो ये अपने पास पहले पड़ा था उस वही लग गया। ये सब कंपनी वाला है, ये चेन बदली गई थी, गियर कंपनी का है, चेन दूसरा पड़ा है। लो मेंटेनेंस, ये वाला पंप बदल गया है, वो जड़ से जो है तेल लीकेज था, ये दिखा रहे हैं। ये वाला कंपनी 7 वाला है, अल्टरनेटर कंपनी 7 वाला है। ये पंप जो यहाँ से इसमें जॉइंट होता है जहाँ पे, वहाँ जोड़ पे जो सील लगती है वो लीक हो गई थी। डीजल पाइप बदलना पड़ा हमको, जो जहाँ खींचता है वो वाला कंपनी का है, जो वापसी वाला चेंज हुआ है। ये अपना पूरा फार्म हाउस है, सब मशीन आ जाएगी, तब अभी सब मशीन चल रही है। ये 20 तारीख को फिर चलेगी, 20 दिसंबर। थोड़ा गीला था तो आ गई, अब 20 दिसंबर को फिर जाएगी। अभी और 2 मशीन चल रही है, अब की लग रहा है पूरा जनवरी तक जाएगी, जनवरी तक। थोड़ा सा इसमें ये पेंट देख रहे हैं ना, पेंट ये वाला पेंट देखिए, ये वाला लाइट मार रहा एकदम, और ये वाला पेंट देखिए, ये सीढ़ी भी बाहर रहती है, इसका पेंट और इसका पेंट, ये दोनों अलग अलग है। अब कंपनी वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो पेंट भेज दें इसका। कटर का पेंट अभी चमक रहा है, देखिए मशीन 2 कलर में हो गई, इसका कलर और ये मशीन का कलर। मशीन का मॉडल भी दिखा देते हैं, ये 3rd महीने 2016 में आई है, और इस ये भी इसका भी दिखा देते हैं।
इसका सर्विसिंग चार्ज सिर्फ जो है मोबिल का और डीजल का होता है, फिल्टर बस, और कुछ नहीं। अगर जिसकी किस्मत है ख़राब हो तो फिर उसका क्या, मशीन परेशान करेगी। सब कंपनी का, अभी तो बोल्ट वोल्ट देखिए वो सब बोल्ट है ना, सब कंपनी के थ्रेसर का, कोई सब बोल्ट बाहरी नहीं लगा, सब कंपनी का। जो साथ में थोड़ा ये पुराना हो गया था, ये तोड़ रही थी, नया डाल दिया सब, वो भी बीमारी ख़त्म हो गई। जैसे अब यहाँ रबड़ का बूस लगा है, यहाँ से जंग खा के पतला पतला हो गया था। जिसके पास भी प्रीत पुरानी हो जाए ये सब बदल दे, सब नट।